हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने नगर निगम फरीदाबाद में तारकोल के सड़क के निर्माण के जांच से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा 7 सितंबर 2020 को दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए गए थे। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों पर समिति के बैठक के दौरान इस मामले पर चर्चा की गई और आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद द्वारा समिति को अवगत कराया गया के मामले में जांच की जा रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय विधायक ने चार भागों में यह प्रश्न किया है। जो पहला कै भाग है उसमें पूछा है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसने इंक्वायरी के लिए कुछ कागज मांगे थे, तो उसका जवाब है हां श्रीमान जी। उन्होंने 27 सात 2020 को कागज मांगने का एक पत्र दिया था। दूसरा प्रश्न खै जो है उसमें पूछा है कि क्या ये दस्तावेज उनको उपलब्ध करवाए गए थे, तो उसका भी जवाब है हां श्रीमान जी। 7 नौ 2020 को उनको ये कागजात उपलब्ध करवा दिए गए थे। तीसरा जो भाग है उसमें लिखा है कि उपरोक्त विषय पर जो स्थायी निकाय और पंचायती राज की जो कमेटी थी उसमें यह मैटर डिस्कस हुआ, तो उसका भी जवाब यह है कि उसमें यह डिस्कस हुआ, उसमें वहां के तत्कालीन जो डीएमसी थे वो आए थे और उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो काम चल रहा था इसमें थोड़ा चेंज किया गया। उसकी इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि वहां पहले ही विजिलेंस इंक्वायरी मार्क हो चुकी थी, तो इसलिए वहां काम रुका और उस इंक्वायरी की इंतजार में हम जैसे ही उसकी विजिलेंस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन।